कि अभी कुछ भी कहना इस हालात में बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपको पता है ईडी की कितनी रेड झारखंड में हो रही है और वहाँ से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो कलकत्ता में जो हुआ है, क्या हुआ है, वो तो खुलासे के बाद ही पता चलेगा। और बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है आपको वही दे सकते हैं जिन्होंने FIR किया है। जितने सवाल आपके पास हैं उनके बेहतर जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्न आगे उन्होंने ही समस्या को उजागर किया है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब वो दे पाएंगे। मेरा ये कहना है फिलहाल चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमें जो है वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जांच में क्या आ रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कांग्रेस चाहे या अनचाहे ईडी को आमंत्रण पत्र दे दी अरगोड़ा में FIR करके, अब ईडी उसको टेक ओवर कर सकती है क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कर सकती है ईडी, चाहे तो क्यों नहीं कर सकती, ईडी का काम यही है। तो अब जाने अनजाने में जिन्होंने किया प्रश्न उनसे कीजिए, FIR मैंने तो किया नहीं है। लेकिन पूर्णिमा जी, इतनी बड़ी पार्टी ने जिस तरह से निलंबित किया, क्या अपने स्तर से भी पहले जांच करानी चाहिए तब निलंबन? या निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहले खुद जो है थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए था, क्योंकि अगर अमाउंट बहुत बड़ा होता, मैं कहती हूँ अगर 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ होता तो शायद तरह तरह की बस अफवाहें चल रही हैं, सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है उस पर हम लोग भी रिलाय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बातों को और सामने आने दीजिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। आपको कोई ऑफर, आपको मिला है? आपको मिलेगा तो हमको मिलेगा। गांधी का एक बयान आ रहा है कि CID ने जो अभी पूछताछ की उसमें कुछ महिला विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस टाइप का नाम लिया है, 5 लोगों का। ऐसा कोई बयान हमने इरफान जी का नहीं सुना है, जब सुनेंगे तो हम मानेंगे। बाकी ऑफर कुछ है तो बताइएगा हमको। अरे अफवाह है, अभी कहाँ कुछ चल रहा है, हम लोग को पता ही नहीं रहता, आप लोग को सब पता रहता है, अभी कुछ नहीं चल रहा है ऐसा मुझे इस, और अगर चल भी रहा होगा तो मुझे सच में इसकी कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। क्या कहेंगे कि ये जो कैश कांड जो हुआ है उसमें कहा जा रहा है कई विधायक शामिल थे, आपका भी नाम आ रहा है, आपके जो आपकी गाड़ी पीछे रह गई थी इस वजह से आप ट्रैप नहीं आ रहे। सबसे पहले तो जो कहता है वो यदि जो साबित कर देगा तब मैं विधानसभा के सदस्यता से रिजाइन कर दूंगा जी। हाँ, और मैंने 29 तारीख को जब यहाँ पौधारोपण करने के बाद जी, जी। हम सीधे आवास गए रेशन हॉस्टल और वहाँ से अपने हम घर कर चले गए जी। और घर जाने के बाद में दूसरे दिन हमारे बरही में हमारे कार्यकर्ता थे विधायक प्रतिनिधि अब्दुल मनान वारसी को भतीजी की निकाह था और उसके शादी में भाग लिया। उसी समय हमने संपर्क किया जगन्नाथ भाई से। अच्छा। जो हमारे DSP संपर्क कर रहे थे वो कह रहे थे कि मंत्री जी को आने नहीं दीजिए, रोड खराब है, नक्सल का इलाका है। तो हमने जगन्नाथ भाई से बात किया कि नहीं आइए, तो उन्होंने एक जवाब दिया कि यदि जो आप अपना क्वेश्चन वापस ले लेते हैं, मद्य निषेध के हम क्वेश्चन डाला था कि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर शराब की चुलाई होती है और बिहार जाती है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना क्वेश्चन वापस लेंगे तब तो आप यहाँ हम नहीं जाएंगे। हम कहा कि जब मैंने क्वेश्चन किया हूँ तो वापस नहीं लूँगा, आप आइए। और जगन्नाथ जी के हमको ये शनिवार को मैं बात कर रहा हूँ, दिन में हूँ और ये करने के बाद में दूसरे दिन हमारे यहाँ जगन्नाथ भाई हमारे यहाँ गए और मैंने कम से कम तो 25 शराब भट्टियों का ध्वस्त कराया। ज़्यादा सवाल ये है कि हाँ। जो इरफान अंसारी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसा लिया और भी विधायकों से संपर्क कर रहे थे, क्या ऐसा? कोई संपर्क नहीं है, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है। आखिरी बार बातचीत कब हुई? नहीं, हमारे कर सकते हैं वो नहीं। इरफान अंसारी तो हम लोग यहाँ बातचीत भी किया था 29 तारीख को, साथ में ही थे, पहले दिन जो सत्र था उसी दिन वो अपना गए और हम अपना गए, तो फिर तो कोई बात हुई नहीं। क्या लगता है ये ट्रैप में फंसे हैं? ले सकते हैं पैसा या नहीं? क्या कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी कांग्रेस, जो उन्होंने कहा, ये सुनिए, जो उन्होंने बयान दिया है कलकत्ता में कि मैंने साड़ी खरीदने के लिए मैं गया था, और ले सकते हैं या नहीं ले सकते मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आप विधायक ही कह रहे हैं। अनूप सिंह ने, अनूप सिंह से पूछिए, अनूप, आप माननीय विधायक, आप सुनिए, माननीय विधायक अनूप सिंह से पूछिए, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।